ये है हमारा 100 किलो का पावर वीडर, ये मात्र 30,000 में, सेंटर रोटरी प्राइस मात्र 30,000 में, 32 ब्लेड तवा के साथ में दे रहे हैं पूरे इंडिया डोर डिलीवरी के साथ। कि ये ब्रेक वाला ट्रॉली है, ये 12,500 कीमत की है ट्रॉली, 7 जो कि 9 HP में आता है, ये आपको 60,000 में पूरे इंडिया डोर डिलीवरी। ये 1.5 लाख कीमत की फोर व्हील ड्राइव है, अब चाबी देना पड़ता है जी, मतलब ये खाली पुश बटन करना है, स्टार्ट हो जाएगा। इसका पावर में है 48,000 कीमत में। ये इंडियन मेड रिपर है, ये 42,000 का। ये अपना प्रीमियम सेगमेंट में 72,000 में विथ बैटरी और 3,000 के पार्ट्स में आपको मिलेगा। नमस्कार किसान साथियों, मैं धीरेंद्र कुमार, जो कि आप सभी को एक नया कंटेंट देना चाहता हूँ। आजकल की ठगी की दुनिया में पावर टिलर के साथ जो ठगी हो रहा है किसान साथियों को, उससे बचाने के लिए मैं आप सभी को आज रवि भाई से मिलाने वाला हूँ कि रवि भाई कैसे सभी किसान साथियों का मदद कर रहे हैं और ठगी से बचा रहे हैं। तो साथियों, आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और ये झारखंड में स्थित रामगढ़ जगह है, जो कि रवि भाई का एक नया ब्रांच खुला है। आप देख सकते हैं खेती बाड़ी के नाम से ये ब्रांच है हमारा। और आप सब चैनल में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, जो कि बहुत सारे हम पावर वीडर दिखाने वाले हैं। देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे वीडर लगे हुए हैं, बहुत सारे मशीन उपकरण इत्यादि चीज़ रखी हैं। मैं कभी सोचा नहीं था साथियों कि ऐसा ये इतना सारा सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। और आइए पहले रवि भाई से मुलाकात आपकी करवाते हैं। सबसे पहले रवि भाई नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते। आपका हमारे पावर टिलर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। हम रवि भाई से मिल करके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हमको जो उम्मीदें हैं कि किसानों के लिए हम कुछ कर सकें। वैसे तो किसान के साथ बहुत ज़्यादा ठगी हो रहा है आज की दुनिया में, आप देख रहे हैं। आज रवि भाई का बहुत सारा वीडियो हमने देखा, और आप जैसे चैनल पर देखते होंगे कि रवि भाई का डिस्क्रिप्शन में नंबर भी रहता है, इनका चैनल भी रहता है, और कई सारे पावर टिलर में मैंने जिक्र भी किया है कि आप पावर टिलर कहाँ से ख़रीदें। क्योंकि साथियों, मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया हूँ पावर टिलर में। आज के 3 साल पहले मैंने पावर टिलर लिया, कहानी है मेरी खुद की साथियों। इसके बाद मैं चैनल बनाना शुरू किया, तो पावर टिलर मेरे को 93,000 में मेरे को मिला था। सेंटर रोटरी 9 HP 186 FA का डीजल इंजन है, जो आप चैनल पर देखते हैं, इतना महंगा मिला। बाद में मैं एक वीडियो देखा रवि भाई का, जिसमें वो पावर टिलर ये मात्र 62,000 या 65,000 में दे रहे थे। मेरे को साथियों विश्वास नहीं हुआ कि मेरे साथ ऐसा ठगी हो गया है कि मेरा 30,000 रुपया किसानों का बहुत मेहनत से कमाया हुआ होता है, इतना पानी में चला गया। जो कि मेरा खास डीलर से मैं लिया था, और उसको खास मतलब रिलेशनशिप था, इसके बाद भी मेरे से इतना ठगी हुआ। उस ठगी को बचाने के लिए मैं आज अयोध्या से चल करके रांची झारखंड में आया हूँ, और ताकि आप सबके साथ आगे ठगी ना हो सके, ऐसा इसके लिए रवि भाई के पास आया हूँ। कैसे हैं रवि भाई? बहुत बढ़िया। नमस्कार सारे किसान साथियों को, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। झारखंड में किसान साथियों जो कैमरे के माध्यम से मुझे आप देख रहे हैं, तो मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज धीरेंद्र सर आए हुए, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका भी हमारे चैनल पर। मैं भी इनकी वीडियोस देखा करता हूँ, पहले तो ये वीडियोस बनाते नहीं थे, लेकिन अब इन्होंने शुरू किया है आप लोगों को जागरूक करने के लिए। काफ़ी अच्छा भी लगता है, सराहनीय कदम है इनका कि जो लोग नए, जो इतने लोग हैं आजकल, क्या है कि लोकल में बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि नज़दीकी जहाँ क्षेत्र है वहाँ से ले, या जैसे भी जहाँ मिल रहा है वहाँ ले, लेकिन लोग क्या चीटिंग कर रहे, किस हिसाब से उनको बेवकूफ़ बना रहे, उन चीज़ों को समझना और परखना बहुत ही आवश्यक है और ज़रूरी है। जी सर, आप तो आज आए, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि आज मैं हूँ अपने रामगढ़ ब्रांच में, हमारा यहाँ पे 2 ब्रांच है, एक सदाबहार के नाम से बेड़ों में, और दूसरा ब्रांच ये खेती बाड़ी के नाम से जो रामगढ़ में है। और यहाँ पे आपको मिलेंगे, नमस्कार रोहित सर, तो ये हमारे यहाँ पे आपको मिलेंगे भैया हमारे हुए। और ये मैं हमेशा यहाँ नहीं मिलूँगा आपको, मैं रहता हूँ वहाँ पे, बट यहाँ पे भी कभी कभी आता रहता हूँ, देखना रहता सारे चीज़ों को। तो आज थोड़ा हम लोग धीरेंद्र सर को सारी तमाम इनके जो सवाल है उनका जवाब देते हैं, और बताते हैं कि हम लोग क्या क्या आइटम में डील करते हैं और किस हिसाब से अब तक मटेरियल पहुंचाते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक
डिटेलिंग वीडियो आज बनाऊंगा, वीडियो लंबा होने वाला है, तो सर के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो। बाकी हमारी कोशिश होगी कि आपको आज बेहतरीन तरीके से इन तमाम जितने कृषि में लगने वाले उपकरण हैं उनकी जानकारी दें। किसान साथियों, आज धीरेन्द्र सर हमारे सामने हैं और ऐसा सरप्राइज विजिट ना दे, थोड़ा पहले बताए कि मैं आने वाला हूँ, तो हम लोग थोड़ा तैयारी के साथ रहेंगे, बट जो भी है मैं आज आपको डिटेल देता हूँ। किसान साथियों, हमारा बेसिकली दुकान जो है काफ़ी पुराना है यहाँ पे जी। जो बेड़ो का ब्रांच है ये लगभग 34 साल पुराना शॉप है हमारा जी जी। और ये ब्रांच जो हमारा ओपन हुआ ये लास्ट फरवरी महीने में हमने चालू किया। रीज़न क्या होता था कि एक ब्रांच का वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है और कुछ किसान इस तरफ से जो बिहार के तरफ से पटना के तरफ से आते हैं उनको यहाँ पे नज़दीक पड़ता है, लगभग 2-2.5 घंटे बच जाते हैं उनको यहाँ आने पे। और यहाँ से दुर्गापुर के तरफ से भी जो किसान पुरुलिया ये सब से भी आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं। रामगढ़ में रोहित सर बैठते हैं। किसान साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बंगाल साइड जो दुर्गापुर हुआ और झारखंड के एरिया का एरिया हुआ या गिरिडीह हुआ या फिर इधर में बड़का गाँव या आपका चतरा, इधर में अपना कोडरमा जी जी, औरंगाबाद बिहार का एरिया काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है ये, तो आप लोग यहाँ आकर के डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। ऐसे हमारा बेसिकली जो पावर वीडर का शुरुआत हुआ था ऑनलाइन के माध्यम से शुरू हुआ था। हमारी कोशिश थी कि मैं भी आप लोगों की तरह वीडियोस देखा करता था तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि लोग बहुत ज़्यादा आइटम पे मार्जिन रख रहे हैं और जो कि इतना बेसिक सा चीज़ है और इसमें इतना मार्जिन सही नहीं है जी जी। तो मैंने शुरुआत किया डिटेलिंग वीडियो देने की, पावर वीडर में डिटेल से वीडियो डालना शुरू किया और ये किया कोशिश कि प्राइस भी सारा क्लियर कट बताओ। आपको जितने भी मेरे अब तक वीडियोस मिले होंगे उसमें प्राइसिंग हम बराबर बता के देते हैं जी जी, चीज़ों की जानकारी सही और स्पष्ट देते हैं। चीज़ें जैसे हमारे यहाँ ब्रांड के हिसाब से बिकता है, इसमें हमारा सदाबहार का नाम नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा आपको कंपनी के हिसाब से उसके ब्रांड का नाम मिलने वाला है। साथियों, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं जब पहला वीडियो रवि भाई का देखा था तो उसमें इन्होंने जो दिखाया कि ये कामा कंपनी का इंजन है और कायो कंपनी का इंजन है, उसी का स्टिकर निकाल करके अगर ये चाहते तो सदाबहार का इंजन बना सकते थे, बट ये हकीकत से सच्चाई से हम लोगों को रूबरू कराए, इसके लिए मैं रवि साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नहीं सर, देखिए, जो कि आपने किसानों के साथ ठगी ना हो और सच्चाई बताया है। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। मैं सारे लोगों को भी बोलता हूँ जो मेरी तरह वीडियोस बनाते हैं कि कोई भी ऑनलाइन में लोग आप पे इतना विश्वास कर रहे हैं तो सारे चीज़ों को क्लियर कट बताइए। ऐसा नहीं कि कुछ छूट ना जाए वीडियो में या कोई चीज़ को गुमराह करके बताना सही नहीं होता, क्योंकि लोग हज़ार हज़ार किलोमीटर, 2-2 हज़ार किलोमीटर से हमारे पास चीज़ें ऑर्डर करते हैं, भरोसा उनका होता है, तो हमारी भी कोशिश होती है कि उनके भरोसे पे हम खड़े उतरे, चीज़ों को वास्तविक रूप दे करके बताएं और जो कोशिश करते हैं कि हर चीज़ जितना भी मटेरियल बेच रहे हैं यहाँ पे उन तमाम चीज़ों में लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ हर चीज़ लाए और आप तक पहुँचाए, और वो भी सर्विस का एक दूसरा पार्ट जो होता है वो भी हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि चीज़ बस बेच रहे हैं और बाकी रिपेयरिंग के लिए या इन चीज़ों के लिए पार्ट्स उपलब्ध नहीं करा रहे। देर सवेर कभी कभी होता है कोई पार्ट्स अवेलेबल ना रहे, क्योंकि ये सब आइटम बहुत ज़्यादा जो वीडर चल रहा है वो विदेश से आता है, तो बहुत बार कुछ कुछ आइटम कभी शॉर्टेज भी हो सकता जी है जी। तो हफ्ते 10 दिन में कंसाइनमेंट आता रहता है, पार्ट्स का भी थोड़ा कभी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमारा कोशिश होता है कि पार्ट्स आपको संपूर्ण तरीके से उपलब्ध कराएं और इम्प्लीमेंट खासकर हमारे पास A to Z अवेलेबल है। आज जितने भी खेती में आधुनिक उपकरण आ रहे हैं आप देखेंगे हमारे पीछे बहुत सारे चीज़ें हैं नए नए, तो आज मैं आपको एक एक करके सारे चीज़ों का डिटेलिंग देता हूँ कि हम लोग क्या क्या आइटम पे डील करते हैं। यहाँ तो लिमिटेड आइटम है अभी शोरूम के हिसाब से, बाकी गोडाउन पे भी बहुत सारा चीज़ है हमारे पास जी जी। कोशिश होगा कि आज सारे चीज़ों को हम लोग कवर करें और तमाम जानकारी दें। किसान साथियों, तो सबसे पहला जो किसानों का आज के दिन में ज़रूरत जो होता है जी जी, वो होता है जुताई का काम। हाँ, कोई भी खेत हम लोग तैयार करते हैं तो सबसे पहले खेतों की जुताई से शुरू करते हैं, तो जुताई करने के बाद ही कुछ भी चीज़ों में जो उपकरण लगने वाला है उनके हिसाब से लगता है जी जी। तो उसके लिए पहले के ज़माने में लोग जो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते थे
या फिर बैलों का इस्तेमाल करते थे, तो आधुनिकता बहुत ज़्यादा हो गया चीज़ों में। अब आप देखेंगे तो पावर वीडर आपको वीडियोस में बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। मैं थोड़ा पावर वीडर के बारे में आपको आज बताता हूँ और डिटेल देता हूँ कि क्या क्या हम लोग डील करते हैं, किस किस हिसाब से। पहला चीज़ मैं बताऊँगा कि पावर वीडर जो जुताई का शुरू होता है वो अपना 7 HP से शुरुआत होता है। यहाँ आप देखेंगे तो 7 HP के श्रेणी से कोई भी वीडर की शुरुआत होती है। जी जी। जो छोटे किसान होते हैं जिनको जुताई के अलावा निराई गुड़ाई का काम होता है, तो छोटे 100 किलो के वेट में 7 HP आपके लिए बेहतरीन होगा। तो शुरुआती जो हमारा 7 HP से होता है, 7 HP के जितने भी वीडर हैं उसके ऊपर फिर 9 HP आता है, 10 HP आता है, 12 HP आता है। तो आज मैं आपको वीडर्स की डिटेल दूंगा। इसके अलावा उसके बाद जो हमारा यूज़ होता है वो होता है उपकरण, जैसे स्प्रेयर के मशीन बहुत सारे मॉडल्स होते हैं स्प्रे में भी। दूसरा जैसे अपना हो गया ब्रश कटर्स, हार्वेस्टिंग के टाइम पे इस्तेमाल होता है, या फसल लगने के बाद लोगों को निराई गुड़ाई का काम करना होता है तो उसमें ब्रश कटर भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा रीपर्स का भी आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है, जैसे गेहूं के बेल्ट में आपके यूपी जी में। जी, रीपर के लिए तो बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि अभी मजदूर जो है भाड़े पे मिल नहीं रहे हैं सर। सबसे बड़ा समस्या और दूसरा क्या कि ये जो कंबाइंड थ्रेसर सब आया ना, ये पुआल को पूरी तरह से खत्म कर देता है, खराब कर देता है। जो धान कटने के बाद जो पहले पुराने जमाने में लोग झाड़ के निकाल लेते थे, हाँ, आजकल मजदूरों की कमी की वजह से इतना संभव नहीं हो पाता, तो क्या होता कि बिचाली निकल नहीं पाता। गाय बैल जो गांव में होते हैं, जो मवेशी पालते हैं, उनको खाने का समस्या आने के लिए समस्या होती क्योंकि वो पाउडर के फॉर्म पे बन जाता, चूर हो जाता बिचाली, कुछ काम का नहीं रह जाता। उसके लिए आप ब्रश कटर से भी कटाई कर सकते हैं। रीपर्स भी आता है इस तरह का, आप देखेंगे तो रीपर भी हमारे पास मिल जाएगा। आप देखेंगे तो सामने में रीपर भी अवेलेबल है, बहुत सारे मॉडल है रीपर में भी। बाकी जुताई के हिसाब से तो वीडर आपने देखा, बहुत सारे इसमें मॉडल आ चुके हैं। बाकी हार्वेस्टिंग के बाद हमारे पास आपकी धान की कुटाई हो या फिर अपना आटे पीसने का मशीन हो या दर्रा दलिया बनाना चाहते हो, इन सब चीज़ें भी उपलब्ध है। अभी लेटेस्ट कॉर्न थ्रेसर बहुत चल रहा है, मक्के झाड़ने का मशीन। इसमें आप पूरा मक्का डालेंगे तो मक्के का दाना निकल के आएगा। मैं तमाम चीज़ों को, बाकी गार्डन के हिसाब से बहुत सारे टूल्स हैं, अभी डिस्प्ले में नहीं है बहुत चीज़ें, मैं आपको सबकी जानकारी थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। स्प्रेयर में भी बहुत तरह के आते हैं, मैनुअल आते हैं, HTP में भी मोनोटाइप है, इसमें अपना बैटरी वाला स्प्रेयर है। बाकी आप देखेंगे तो इंजन वाले भी स्प्रे होते हैं, इसमें इंजन लगा होता है। आम वाम के बगीचे हो तो उसमें अपना छोटा पोर्टेबल स्प्रे भी इस्तेमाल होता है। बिजाई करने के लिए आपको सीड ड्रिल भी आता है, पंच सीडर भी आता है पुश करने वाला, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और नए जितने आजकल छोटे टीलर्स का बहुत क्रेज आया हुआ मार्केट में, तो ये सब मॉडल मैं आपको थोड़ा बताऊँगा आज, डिटेल दूंगा कि कौन कौन सा थोड़ा आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल से देते हैं और बताते हैं क्या क्या दाम है और क्या इनके फीचर्स हैं। सबसे पहले हमें और हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पर पावर वीडर कितने दामों से शुरुआत है, शुरू में कम से कम। अच्छा, अगर कोई किसान नीचे से ऊपर की ओर बढ़ूंगा, बहुत बार मैं बड़े वीडर से छोटे की ओर आता हूँ, आज शुरुआत नीचे से ऊपर की करते हैं। जी जी। देखिए किसान साथियों, सबसे जो शुरुआती दौर का जो टिलर आता है ये अपना 52 CC में आता है, 2-स्ट्रोक इंजन में होता है। इसमें भी आप देखेंगे तो ब्लेड लगा हुआ है। जिन लोगों को बागवानी के काम से, जैसे आपके पेड़ पौधे लगे हो उसमें गुड़ाई करना हो, या हल्का जुताई जैसा काम हो, या मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, बलवाई मिट्टी है, बलुई मिट्टी, तो वहाँ पे ये अच्छा काम करेगा। लेकिन मिट्टी में हार्डनेस आ जाता है तो फिर थोड़ा बढ़ना पड़ेगा आपको इस मॉडल पे 68 CC में। तो मैं अभी दाम बताता हूँ और फीचर्स बताता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। साथियों वीडियो में बने रहे लास्ट तक, मेरा वीडियो आज का इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला तो ये शुरुआत होता 52 CC से, इसका कीमत है यहाँ पे 10,500 रुपये अप्रोक्सीमेटली। इसमें आप किराया लेके रखो 1500 रुपये का जाएगा एक बॉक्स का, जो डोर डिलीवरी पे। छोटे टीलरों में नेट रेट इसलिए बताते कि बहुत लोग आके लेके चले जाते हैं, तो ये यहाँ पे हम विदाउट ऑनलाइन में 10,500 में ये हम लोग दे देते हैं 52 CC जो यहाँ पर आके लेगा। बिल्कुल, ये एक्चुअली में ट्रॉली टाइप ब्रश कटर भी कहलाता है, ये छोटा टीलर के नाम से भी चलता है, मिनी टिलर में कहलाता है। ये काफ़ी हल्का होता है, बहुत आसानी से आप इसको उठा के कहीं पे भी, ये देखिए हाँ, तो कंधे पर उठा करके ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं गुड़ाई के काम में भी, हल्की जुताई तो इससे आप काम में ले सकते हैं।
इससे थोड़ा मिट्टी जब हार्ड होता है। दूसरा ये आप देखेंगे तो 68 cc, ये लगभग मार्केट में 22,000-25,000 में बिक रहा है। लोग इसी को 73 और 82 cc बता के बेच रहे हैं। लेकिन ये होता है प्रॉपर 63 cc 68 cc कहलाता है। इसमें गेयरबॉक्स जो होता है वो इंजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसमें डंडा नहीं है, और ये हल्का जुताई भी कर लेता है, गुड़ाई के काम में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके ब्लेड को भी कम नहीं कर सकते, जितना आप देख रहे हैं ये 22 इंच में काम करेगा। फिक्स ब्लेड है ये? हाँ जी सर। और ये 2-स्ट्रोक इंजन में ये हम लोग यहाँ पे 19,000 रुपये में पूरे इंडिया में डोर डिलीवरी देते हैं। बहुत बढ़िया दाम बनाया है आपने, क्योंकि इसमें मैं बहुत टेक्निक जो है ना बहुत ही आसान है चलाने में, बहुत ही हल्का भी है जी। उठाने करने बैकराइड सब कुछ है इसमें। हल्का छोटा रेजर भी इस्तेमाल करके मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं। चक्का खोल के यहाँ पे आप देखेंगे तो व्हील का इस्तेमाल किया गया लाने ले जाने के जी लिए जी। इस तरह से आप इसे लेके ला सकते हैं कहीं पे भी, और जब जुताई कर रहा हो तो ये चक्का खुल जाएगा, ये रॉड के थ्रू ये काम करेगा जैसे वीडर को चलाते हैं। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक्सलेटर बढ़ाना है, RPM जैसे तेज होगा ये क्लच पकड़ लेगा गियरबॉक्स को और जुताई चालू होगी। लेकिन ये सब हल्के कामों के लिए ठीक है जी जी। बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी के जुताई में ये सब सक्सेसफुल नहीं होगा। हल्का जुताई करना हो तो ये शुरुआती दौर है। फिर इससे ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो ऐसा मॉडल आएगा, अब देखिए तो ये हमारा 7 HP के इंजन में भी अवेलेबल है और 3.5 HP में भी अवेलेबल है जी जी जी। अगर किसान साथियों को लगता है कि छोटा काम है, जैसे पहाड़ियों में आप देखेंगे तो बहुत मुश्किल होता है वजन का लेकर, वजन का उठाना 100 किलो के वीडर, और लोग आजकल घरों में होते हैं कम, पहले की तरह जॉइंट फैमिली है नहीं कि एक एक घर पे 10-10 लोग मिल रहे काम करने वाले, एक परिवार है छोटा सा और उनको क्या है कि हल्का खेती है, थोड़ा बहुत जुताई करके लाना। तो ये बेल्ट ड्रिवन में है मॉडल जी, ये भी बहुत महंगा ऑनलाइन में बिक रहा है, लेकिन हमारे पास में एक स्पेशल रेट आपको मिलेगा जो कि ये मॉडल हम आपको देंगे मात्र 28,000 रुपये में। मात्र 28,000 में? बिल्कुल, ये मॉडल हम आपको देंगे 28,000 में पूरे इंडिया डोर डिलीवरी, और इसमें बेल्ट का इस्तेमाल किया गया है, इसमें गियरबॉक्स 1 लीटर का होता है। गियरबॉक्स भी लगा है इसमें? हाँ जी सर, ये गियरबॉक्स के साथ में, इस तरफ से कैमरामैन थोड़ा दिखाएंगे गियरबॉक्स कहाँ है कैसा है। ये इसका गियरबॉक्स है, यहाँ पे ऑयल लगता है, एयर क्लीनर को पूरा मेटालिक बनाया गया है, ये मेटल का प्लास्टिक का नहीं है, और स्नॉर्किल मॉडल है क्योंकि छोटा वीडर जब नीचे चलता तो धूल ज़्यादा होता है, तो यहाँ के अलावा भी यहाँ से फिल्टर ये करता है। बाकी स्टार्टिंग बहुत ही आसान है, इसमें सेल्फ की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये इजिली इतने में ही स्टार्ट हो जाएगा। अब ब्लेड्स इसमें जो मिलने वाला आपको, ये ब्लेड मिलने वाला है, दिखाइए रोहित सर, ये सेट में मिलेगा, और ये ब्लेड को आप गुड़ाई के काम में भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ये डिटेचेबल है? हाँ, किसान साथियों देख सकते हैं यहाँ पिन लगा है। ये ब्लेड स्पेशली घास के कटाई के लिए डिजाइन किया गया, होंडा के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है जी जी। होंडा के ट्विस्टेड ब्लेड बोला जाता है इसको, अगर नॉर्मल रोटावेटर का देखेंगे तो वो एल शेप में होता है, ये थोड़ा कर्व ट्विस्टेड है। कर्व ट्विस्टेड, तो ये कर्व ट्विस्टेड जो है मिट्टी को ज़्यादा काटता है और मिट्टी को बारीक भी ज़्यादा करेगा, बारीक प्लस घास भी आ जाता है, ये घास को पीसेज में काट देगा टुकड़ों में। तो ये हो गया एक छोटा टिलर जो 28,000 के रेंज में। इसी से फिर संबंधित एक ये मॉडल है 3 HP में, लेकिन अगर जिन किसानों को जुताई ज़्यादा है अगर छोटे साइज में तो ये 7 HP वाला चयन करें। जिन किसानों को जुताई का काम नहीं है, जिनके पास ट्रैक्टर्स ऑलरेडी उपलब्ध हैं, तो ये टिलर हम लोग ब्लेड का एक सेट अलग से देते हैं जिसको कि 8-10 इंच में चल पाता है। जो बड़े टिलर होते हैं डबल वाले ब्लेड को हम लोग बीच से रोटरी शाफ्ट काटते हैं और दोनों तरफ लगा देते हैं, तो 10 इंच में गुड़ाई करते करते साथ में पीछे मिट्टी भी चढ़ाने का काम करता है। दोनों दो तरह के किसान होते हैं, एक जिनको जुताई करना हो उसके हिसाब से ये ले सकते हैं, जिनको गुड़ाई का काम हो वो छोटा इंजन ले, क्योंकि इंजन का वजन से थोड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मिट्टी में धंसता ज़्यादा ज़्यादा ब्लेड की चौड़ाई कम करेंगे तो मिट्टी में फंसने का चांस ज़्यादा रहता, तो उसमें ये हल्का काम आएगा। अब थोड़ा आपको ये समझ में आएगा कि इतने वेराइटीज और बारीकी से क्यों हम लोग बेचते हैं जी जी जी। कुछ भी बोल के कुछ भी दे दिया, अभी तो लोग इसको दिखा देते कि कीचड़ में भी काम कर रहा है, ये में भी काम कर रहा, लेकिन पंजाब हरियाणा की मिट्टी होते सॉफ्ट जी, उसमें कुछ भी काम कर सकते हैं। यूपी के बेल्ट में भी मिट्टी होता है सॉफ्ट कहीं कहीं, लेकिन जहाँ काली मिट्टी केवाल मिट्टी, बिहार में कहीं कहीं केवाल मिट्टी होते, हमारे यहाँ लाल मिट्टी होता बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड मिट्टी होती हो, तो ये सब हमारे यहाँ जुताई में नहीं चल पाएगा। जहाँ मिट्टी में हार्डनेस है वहाँ पे ये नहीं चलेगा। उसके लिए आपको बेल्ट की जगह हम लोग डायरेक्ट गियर ड्रिवन देंगे, इस तरह का मॉडल। ये भी एक मॉडल है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि इसमें गियरबॉक्स छोटा है,
जी जी, तो लोगों को ये उतना पसंद नहीं आता। ये हमारा 33,000 का मॉडल है, ये गियर ड्राइव मॉडल है, ये डायरेक्ट इंजन में कोई बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया जी। लेकिन इससे बेहतर मैं सलाह देता हूँ कि 100 किलो वाला वीडर ज़्यादा अच्छा होगा इसको लेने की अपेक्षा। बिल्कुल। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे मैं 3 HP की बात कर रहा हूँ, तो ये मॉडल आप देखिए, इसमें दो वेराइटीज़ है, एक ट्रैकोवेटर में है, एक वॉल्सन में अवेलेबल है। ट्रैकोवेटर में आपको व्हील ब्लेड और इसके व्हील ब्लेड सब कुछ सेम मिलने वाले, डिज़ाइन थोड़ा अंतर आने वाला है। उसमें 3,000 का आपको अतिरिक्त पार्ट्स मिलेगा ये ट्रैकोवेटर में। हाँ, 32,000 कीमत में 3,000 का हम लोग एक्स्ट्रा पार्ट्स भी देते हैं साथ में जी जी, ताकि किसानों को जो वारंटी का इशू रहता है वो लफड़ा ना रहे। पार्ट्स जो है आप देखेंगे तो ये सारे पार्ट्स इसके साथ में आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इसमें एक्सलेटर का नॉब है, गियरबॉक्स का पैकिंग है, ऑलरेडी ये चीज़ें लगी हुई लेकिन ये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ये यूज करते करते टूट जाता है। इसमें लगने वाला पिस्टन है, पूरा गैस्केट का किट है, इसका रिंग है, कार्बोरेटर का एक सेट है, पाना है, पिन है, रिंच एक्स्ट्रा है, ये सब इस मॉडल के साथ आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है ट्रैकोवेटर में। ताकि आपको वारंटी को लेकर के जो हमारे यहाँ समस्या आता है कि लोगों को फ़ोन करना पड़ता है पार्ट्स की डिटेल, ये ऑलरेडी एक सेट हम लोग पार्ट्स पहले ही दे देते हैं। इंजन एक बार के लिए खुल भी गया तो इतने सामान से आप इसको चालू कर सकते हैं जी जी। तो ये हमारा कोशिश होता है कि किसानों को समस्या को थोड़ा सा दूर करें और इन चीज़ों को चलाएं। और ये जिनको थोड़ा वो मतलब नहीं है तो वारंटी इस पर भी रहता है, रिंग पिस्टन और गियर्स का जी जी, इस पर पार्ट्स अधिक मिलने वाला नहीं है ऐसा। इस पर आपको 30,000 कीमत में ये मिलने वाला है, इस पे 30,000 कीमत में ये 28, 30, 32 और ये 32,000 में इसमें एक्स्ट्रा पार्ट भी मिल रहा है। क्वालिटी में इंजन है बाकी जी जी, आपको कहीं कोई समस्या होता है तो सारे पार्ट्स जितने भी मैं दिखा रहा हूँ सबके सब पार्ट्स हमारे पास रेडी स्टॉक होते हैं जी। और ये मॉडल आप एक देखेंगे तो ये थोड़ा सा अलग सा मॉडल सर है। ये फ्रंट रोटरी मैं आजकल वीडियो में बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, बहुत कभी भी शॉर्ट वीडियो खोलते हैं तो ये आ जाता है और मिट्टी को एकदम गर्दा कर देता है। बिल्कुल, जो मक्का ज्वार का जड़ भी है उसको भी खत्म करके दिखाता है। देता हूँ आपको, ये है क्या बेसिक, ये फ्रंट रोटरी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए क्योंकि ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। देखिए किसान साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि ये खर पतवार हटाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसका इसलिए नाम यहाँ हमने लिखा भी दिया ग्रास कटर जी। ये बेसिकली जितने घास या खर पतवार होते हैं उसको हटाने में ये बहुत अच्छा होता है। जैसे फसल दो लगे हुए जी जी, लेकिन फसल की चौड़ाई चक्के के हिसाब से साइड में होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा ट्रैक कम रहेगा तो ये नहीं चलेगा, उसमें आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब चौड़ाई 1.5 फीट के आसपास है तो ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सामने की तरफ में फ्रंट रोटरी है, यहाँ पे कटर ब्लेड लगाओ, काफ़ी धार है, आप एक बार हाथ लगा के वो धार बहुत ज़्यादा है, काट सकते हैं फल वाले, इतना ब्लेड धार बना हुआ। तो ये आगे की तरफ से काटता है। अब पीछे देखेंगे तो एक रेजर भी लगा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रेजर भी लगा हुआ है, थोड़ा मिट्टी चढ़ाने के लिए रेजर लगा है। ये चक्का लगा रहेगा, आगे का चक्का को ऊपर करके हम लोग लेवल को कम ज़्यादा करते कि गहराई में कितना आपको उसको ये जितना मतलब गहराई जाना है ये उतना ब्लेड को अप डाउन करते हैं जी जी। तो उसको अप डाउन चक्के का सेटिंग है, बाकी पीछे रेजर को भी अप डाउन करने के लिए यहाँ बोल्ट दिया हुआ है, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 29,000 में हम लोग पूरे इंडिया में दे रहे हैं, 29,000 में बहुत ही चीप प्राइस में दे रहे हैं रवि भाई। क्या रहा है, ये बहुत महंगा बिक रहा है, ये लोग 40,000 में बेच, ये 35,000-40,000 में बिक रहा है, लेकिन ये इतना महंगा है नहीं, ये मात्र 29,000 में, और ये बहुत बेहतरीन है सर। इसमें कहीं इसके काम में कोई इशू नहीं, मक्के के खेती के लिए ये बेहतरीन है जी जी। या जैसे जिसमें चौड़ाई ज़्यादा हो, बहुत लोग गन्ने में भी ले रहे हैं। हाँ, गन्ने में भी ये 1.5 फीट में हमारा 18 इंच नहीं लेकिन थोड़ा जैसे दूरी पे हो गन्ने में तो ये अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये थोड़ा लेटेस्ट चीज़ आपके चैनल में आज ही डाल रहा है क्योंकि इसकी वीडियोस हमने पहले कभी नहीं डाला जी जी जी, लेकिन चीज़ें हमारे पास लगभग सारे उपलब्ध हैं, बहुत आसान है। इस पर कुछ भी, इसका ऑपरेटिंग बहुत ही आसान है जी। और इस पर टेक्नोलॉजी वाइज कुछ भी नहीं है, अगर लोग इसको देखेंगे तो बहुत सिंपल टेक्निक से है। इंजन जैसे रेस होगा यहाँ क्लच लगा हुआ है जी जी, ये बेल्ट के थ्रू वो रोटर चालू हो जाएगा। अब बहुत लो मेंटेनेंस है, बहुत प्रॉब्लम आएगा तो सिर्फ इंजन में आ सकता है जो कि पार्ट्स का, इसमें कुछ है ही नहीं फिर तो ब्लेड है और आप पत्ती लेकर के अपने से भी ब्लेड सेट कर सकते हैं। बाकी इसके पीछे चक्के फ्री है, ये खुद के ही रोटर के हिसाब से जैसा घूमेगा वैसा आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और जैसे लंबे लोग हैं हाइट एडजस्टमेंट, तो यहाँ से बहुत आप देखेंगे, देखिए यहाँ एक लीवर पिनियन जी जी जी, ब्रेक दबाया
यहाँ होल बना हुआ है, इसका छोटे बच्चे भी चला सकते हैं। अच्छा, मतलब इसमें पिस्टन है, वो ये होल में घुस जाता है, घुस जाता है, वहीं पे जाम हो जाता है, लॉक कर देते हैं। okay. और इसको चलाना कोई मेहनत वाला काम नहीं, ना कोई वाइब्रेशन है ना कुछ है, लेकिन पत्थर नहीं होना चाहिए खेतों में, पथरीले में ये काम नहीं करेगा। तो किसान साथियों, जैसा कि महाराष्ट्र और MP की जमीनें हैं, वहाँ पत्थर बहुत ज्यादा पाया जाता है। हिमाचल के कुछ जगह में पथरीले जगह होते हैं, वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। पत्थर रहेगा तो आपका ब्लेड खराब हो जाएगा। मेरा जो काम है वो बहुत स्पष्ट है और बहुत साफ सुथरा है। मैं चीजों को उसी हिसाब से बताता हूँ जिस हिसाब से इसकी कैपेबिलिटी है, मतलब काम करने का सिस्टम है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बता दिया, वैसा नहीं। तो ये चीज़ों को किसान ध्यान देंगे। बाकी मैं नेक्स्ट आइटम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला, तो इस मॉडल पे जो आपने एक देखा था, हमने दिखाया था आपको ये वाला इंजन, जी जी, इसी का इक्विवेलेंट मॉडल रीगा इटाली ब्रांड में ये आएगा, SC55। सेम सिस्टम है, अब थोड़ा सा अंतर कहाँ है मैं दिखाता हूँ आपको। इसके गेयरबॉक्स की चौड़ाई ज़्यादा है, आप देखोगे नीचे से, तो गेयरबॉक्स नीचे यहाँ पे ये चौड़ाई ज़्यादा है और इसका गेयरबॉक्स काफ़ी पतला है, ये काफ़ी पतला है, ये मेजर डिफरेंस है इस पर। जी हाँ, जैसा कि देखने में मिल रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। किसान साथियों, जैसा कि देख सकते हैं, ये इतना चौड़ा है और उधर का देखिए, ये बहुत पतला है, एकदम ना के बराबर है। 8 इंच के हिसाब से, रोटर चलाने के हिसाब से ये डिज़ाइन किया गया। जी जी जी, इसको जुगाड़ लगा के चलाते हैं, लेकिन बीच में इतना सा स्पेस का थोड़ा सा इशू रहता है, तो बहुत जिनको कम ट्रैक में चलाना हो उनके लिए ये गेयरबॉक्स सूटेबल है। जी, जिनको थोड़ा सा ये पे जाना है तो ये। दाम में थोड़ा अंतर है, ये वाला मॉडल आएगा आपको, इसके हिसाब से अंतर मिलने वाला है। ये हम लोग दे रहे हैं 32,000 में, 32,000 रुपये। हालांकि अभी इस पर डिस्काउंट लेकर के आप समझ कर रखो कि ये हम लोग 30,000 में ही देंगे। जी जी, अभी लेटेस्ट कंसर्न है। टायर मिलने वाला है इसके साथ में, बैकरड मोटा लगेगा बड़े वीडर की तरह, बाकी ब्लेड ऐसा ही आएगा जैसा ब्लेड आप देख रहे हैं, चीज़ हर चीज़ काम करेगा उसी हिसाब से। तो ये आप देखो बारीकी कितना है तो सब एक ही तरह एक दिख ही रहा तरह है, लेकिन क्या क्या अंतर आया वो आपको थोड़ा समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग आपको दिखाते हैं सेंटर रोटरी, जो सबसे पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा चलता है। किसान साथियों, ये है हमारा 100 किलो का पावर वीडर, जो हर किसानों का सबसे पहला ज़रूरत पूरा इसी से होता है। जी जी, मतलब ये आप ले लिए तो सारे जुताई का काम हो जाएगा। पूरे इंडिया में ये मॉडल हम लोग अभी धूम मचाए हुए हैं दिवाली के ऑफर के ये पे। जी, दिवाली तो बीत गया लेकिन किसानों का डिमांड है कि ऑफर लगातार रखिए। नहीं, ऑफर तो चाहिए सर, बहुत लोगों के पैसे जुट नहीं पाए थे। तो ये मात्र 30,000 में सेंटर रोटरी पूरे 32 ब्लेड के साथ 100 किलो वजन में। बताइए साथियों, गियर शिफ्टर ऊपर है, हर चीज स्टैंडर्ड हिसाब से है, इमरजेंसी लॉक है, क्लच है, 1.5 लीटर का गियर बॉक्स है, 3.6 लीटर का टैंक है, थ्रेडेड कैप के साथ। इसके प्राइस को हमने इतना नॉमिनल रखा कि समझ के रखो एकदम थोड़ा मार्जिन मिल रहा हमें, लेकिन कुछ किसान थे जो पूरे साल इंतजार कर रहे थे कि जैसे कुछ सस्ता हो या कुछ कम में रवि सर कुछ ऐसा दीजिए, क्योंकि हम पैसा नहीं जुटा पा रहे थे, जुटा के लेना चाह रहे। तो ये हमने कंपनी से बहुत लड़ झगड़ के बोला कि चलो एक वीडर में तो कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। नहीं, बहुत जरूरी है कि मार्जिन कम ही होते, लेकिन इस वीडर को हमने मिनिमम प्राइस मात्र 30,000 में 32 ब्लेड तवा के साथ में दे रहे हैं और एक्स्ट्रा पावर ब्रांडेड कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी, कोई लोकल ब्रांड नहीं है, कोई ये नहीं है, वीडर के लाइन में बहुत नामी ब्रांड है पावर वीडर। प्रीमियम क्वालिटी जितने भी है एक्स्ट्रा पावर में ही आपको आते हैं। तो ये मॉडल आपको 30,000 में अवेलेबल है पूरे इंडिया डोर डिलीवरी के साथ। प्राइस जो मैं आपको दे रहा हूँ ये बिल्कुल होलसेल बॉटम प्राइस पे है। जी, इससे कम में मैं चैलेंज करता हूँ पूरे इंडिया में कोई भी नहीं देगा, इतना कम में वीडर कोई नहीं देगा। मुझे तो पहले मैंने देख रखा है यूट्यूब में, इस मॉडल में 54,000-55,000 में लोग जी जी, सेम इंजन, सेम सब कुछ, सेम सब कुछ, बस स्टिकर चेंज हो जाता है, स्टिकर खाली बदल जाता है। स्टिकर क्यों बदलते, ताकि कंपटीशन ना आए, उनको लगे कि उसके नाम से ही वो मटेरियल चल रहा है। बाकी मॉडल्स मैं और भी आपको दिखाता हूँ। रवि सर, हमको इसका पहले ब्लेड दिखाइए, आप बोल रहे हैं 32 ब्लेड का ये पावर टिलर 30,000 में दे रहे हैं, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है, ब्लेड दिखाइए। सिर्फ ब्लेड नहीं दे रहे, तवा भी दे रहे हैं आप एक बार। अच्छा, तवा के साथ दे रहे हैं। अरे एक महंगे वाले का ब्लेड लाओ कोई भी जो इसी साइज का, आप वजन भी अंदाज कर लो, आप तो सामने हो।
सर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि आप 30,000 में ब्लेड दे रहे हैं वो भी। सर देखो पहला और ये ब्रांड का मैनुअल बुक, ठीक है आप देख लो यहाँ के स्टिकर से मैच कर रहा है। मैनुअल बुक सारा इसका है, ठीक है जी। इसके साथ मिलने वाले स्पैनर, एक्स्ट्रा नट बोल्ट भी है, पिन है, बाकी इसके साथ मिलने वाला ये रिंच, स्क्रू ड्राइवर, प्लग पाना और ब्लेड का सेट, तवा और सबसे बड़ा चीज़ जो टायर का जो समस्या आता है ना जी जी, तो ये हमने ट्यूबलेस सॉलिड टायर दिया हुआ, टायर भी 16 इंच है, छोटा नहीं है, आप देखिए जी जी, टायर भी है। तो रवि सर क्या इस पे गारंटी आप देंगे? मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा है। गारंटी तो आज के डेट में किसी का भी नहीं है, बोल के लोग बेचते हैं गारंटी है ये है, लेकिन जब फोन करेंगे तो सामान देते हैं। गारंटी शब्द का असली मतलब होता है कि पूरी तरह से रिप्लेसमेंट, जैसे पंखे में हो गया या कुछ बिजली के उपकरण ये सब में गारंटी चलता है कि भाई वो चीज़ जब रिपेयर नहीं हो सकता कि उन चीज़ों को बदल दिया। तो इस पे वारंटी मिलने वाला पूरे 1 साल 12 महीने का, मतलब एक साल का गारंटी। रिंग पिस्टन और गियर्स घिस गए तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पर भेजेंगे, बाकी अतिरिक्त पार्ट्स का वारंटी नहीं देते हैं क्योंकि मिसयूज़ होगा, कहीं ना कहीं डैमेज होगा और मार्जिन वैसे जोड़ते नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा करके आपको दे रहे हैं जी जी। लेकिन स्पेशली आप देखेंगे तो प्राइस इतना अट्रैक्टिव प्राइस शायद पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं होगा। किसान साथियों मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि 30,000 में 1 साल की गारंटी भी मिल रही है और वो भी ब्रांड कंपनी का, एक्स्ट्रा पावर आज भारत में नामी ब्रांड कंपनी मानी जाती है। ब्लेड मैच करना चाह रहे थे ना, वो नॉर्मल ब्लेड आ गया जो दूसरे 36,000 वाले का ब्लेड है। अब इस पर डिस्क नहीं, लेकिन आप ब्लेड देख लो एक बार, ये ब्लेड हमारा लंबा है, ये लॉन्ग लेंथ ब्लेड है। मेरा ये बताने का उद्देश्य है कि इसके ब्लेड्स को हमने एक्स्ट्रा हेवी कराया हुआ, लंबाई बढ़ाया हुआ, आप लंबाई देखोगे तो ज़्यादा है। अब ब्लेड प्योर बोरोन का है जी, मतलब ब्लेड घिसेगा नहीं जल्दी और काम भी अच्छा करेगा, धार चलते चलते ही लगेगा जी। अब ब्लेड जल्दी टूटेगा नहीं या मुड़ेगा नहीं, और ब्लेड बहुत टेम्पर लोहे का, बोरोन स्टील बोला जाता है, बहुत हार्डनेस होता है उसका, मतलब क्वालिटी को लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बस एक कमिटमेंट है कि चलो दिवाली का था टाइम जी, कुछ सोचा ऑफर निकाल दे, लेकिन किसानों ने बोला थोड़ा लंबे समय तक दीजिए, तो जब तक स्टॉक देते रहेंगे 250-300 पीस का आज के डेट में इसका स्टॉक हमने कर रखा। तो किसान साथियों आप जल्दी कीजिए जब तक स्टॉक है, ये 30,000 में आप विथ 1 साल गारंटी के साथ ले सकते हैं पावर टिलर, और आप जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए। अब मैं बताना चाहूँगा नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग दूसरे मॉडल पे आते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 HP में मॉडल है ये रिगाइटाली का, ये हमारा SC 1000 है, इसका हैंडल देखेंगे तो आप इन सबसे हेवी मिलेगा, ये रिपर के लिए बहुत बेस्ट मॉडल है और ये कीमत है 36,000 रुपये पूरे इंडिया डोर डिलीवरी 36,000। टायर ब्लेड सेट विथ तवा, इटालियन इंजन, फ्रंट मतलब गियर शिफ्टर ऊपर है, और इस पर आप देखेंगे तो गियर पे लीवर नहीं है, केबल का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जब आप वीडर को पूरी तरह से पीछे घुमाते हैं तो ये केबल के थ्रू भी काम करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो केबल के थ्रू ये काम कर रहा है, जी जी जी, केबल मैकेनिज्म अलग है। किसान साथियों जब इसमें रीपर अटैच करेंगे तो आपका ये केबल जो है, केबल रहेगा तो टूटेगा नहीं, और अगर राड रहेगा तो टूट, मतलब चेंज करने का तो प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। 6 फुट लोग के लिए ये बहुत बेहतरीन है, 5.5-6 फुट के लोग हैं तो उनको ये हैंडल बहुत ही आरामदायक लगने वाला। स्पैनर साथ में रहेगा, ब्लेड का सेट रहेगा और आपके घर तक की डिलीवरी, जैसे लोगों को होता है कि बस ट्रांसपोर्ट तक भेजा फिर उसके बाद छोड़ दिया, वैसा नहीं जी। हमारा जो भी डिलीवरी होता है डोर डिलीवरी होता है बॉक्स के अंदर में, और सिस्टम जो है सिर्फ आपको 5,000 अकाउंट में डालने का है कोई भी प्रोडक्ट के लिए, वीडर के लिए, बाकी का पेमेंट आपके दरवाजे पे पहुंचने के बाद पेमेंट बिल्कुल, और वो भी कैश देना है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये दोनों सेम दिख रहा है मेरे को ऊपर से नीचे तक पूरा, बट इसमें इंजन जो है होंडा का है, तो क्या होंडा का कॉपी किया हुआ है क्या है, थोड़ा बताइए। मैं बताता हूँ, ये एक्चुअली FJ 600 मॉडल है जी। होंडा जितना भी वीडर बनाता है ये बेल्ट सिस्टम पे बनाता है, और इंडिया में बेल्ट सिस्टम जुताई में इस्तेमाल नहीं होता जी, तो थोड़ा क्या है कि लोगों को जुताई के काम से यूज करना था तो सेंटर रोटरी बनाया गया। ये एक्चुअली होंडा का असेंबल्ड मॉडल कहलाता है, इसको OEM कहा जाता है,
ये इंजन इसमें होंडा का है जी, गियरबॉक्स रिगा इटाली का लगा हुआ है, इसकी कीमत है 54,000। रीजन किसका, इंजन इंडिया का है और बहुत महंगा इंजन, ये असेंबल्ड मॉडल है जी जी। बाकी चीज इसमें सब कुछ सिमिलर है, इंजन जो है GX200 मॉडल है, इसके साथ मिलता 24 ब्लेड तवा के साथ में, बाकी सब कुछ कंप्लीट रहेगा जी जी। तो देखिए चीज़ों को क्या है ना कि कैटेगरी वाइज अलग अलग किया गया जी जी। जैसे बहुत सारे लोगों को पेट्रोल में चाहिए सेल्फ स्टार्ट में, तो हमारे पास में सेल्फ के भी मॉडल्स है, आप देखेंगे तो ये सेल्फ स्टार्ट में मात्र 40,000 में सेल्फ स्टार्ट, यस कंप्लीट 40,000 में पेट्रोल इंजन। बाकी आप देखेंगे तो फिर डीजल में हमारे पास आ जाता है, ये KPD है 7 HP डीजल विदाउट सेल्फ, और ये सेल्फ स्टार्ट में चौड़े टायर में इजी टर्निंग के साथ में जी। इसकी कीमत है 50,000 रुपये, फ्रंट व्हील इसमें लगा हुआ है, ये डीजल का इंजन है, और ये अपना 56,000 चौड़े टायर के साथ में इजी टर्निंग लगा हुआ है, बैटरी इसमें साथ में देंगे आपको, इंजन सेम है। इसमें हमारे पास बड़े साइज में भी है, शायद नीचे मैं अभी गोडाउन लेके चलूँगा, और बाहर में भी आप देखिए यहाँ पे इसमें 10 HP भी अवेलेबल है, उसमें भी इजी टर्न लगा हुआ है, 40 ब्लेड का रोटावेटर मिलेगा, बैटरी मिलेगा, हैंडल के ऊपर लाइट मिलेगा, वो हम आपको 72,000 में पूरे इंडिया डोर डिलीवरी देंगे विथ बैटरी। विथ बैटरी बिल्कुल। बाकी जो मॉडल आप देखेंगे तो ये भी मॉडल एक है रिगा इटाली का ट्यूबलेस टायर में, ये 40,000 कीमत में, फ्रंट व्हील के साथ में, प्रीमियम सेगमेंट में, इसमें गियर शिफ्टिंग बहुत ही आसान है, इसको आप बिल्कुल छोटे वाले फिंगर से गियर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ट्रैकोमीटर की सीरीज में है, ये अपना 32 ब्लेड के साथ में, ये आपको 48,000 में विथ बैटरी और 3,000 के अतिरिक्त पार्ट्स इसके साथ में, हम आपको इसमें भी 3,000 का पार्ट्स मिलने वाला किसानों को, ताकि वारंटी का इशू ना रहे जी जी, आराम से आप ये कर लें। ये अपना KP1000 ये 48,000 का मॉडल है, ये सीरीज जो डीजल और ये 40,000 जो मैंने बताया, ये तीनों एक ही गियर बॉक्स पे बने हुए हैं, इसकी गियर शिफ्ट बहुत ही ईजी, आप देखेंगे इस फिंगर पे गियर चेंज हो जाता है, एक सिंगल फिंगर, इसका गियर बॉक्स बहुत ही उम्दा है, इसमें लाइट के भी ऑप्शन है LED के साथ, बाकी ये 48,000 में ये आपको मिलने वाला है, ब्लेड इसके साथ भी 32 होने वाला है। बाकी और मैं मॉडल को थोड़ा कवर करता हूँ आगे की ओर, ये अपना ये हाथी जैसा दिख रहा है रवि भाई, थोड़ा इसके बारे में हमारे बिल्कुल दर्शकों को दिखाइए, लाइक भी हाथी ही है। 7 HP में जिन लोगों को वो हल्का लगता है उसके लिए हमने 140 किलो में डेवलप कराया हुआ, ये इंडिया का एकमात्र पावर वीडर है जिसका वजन 140 किलो है। 140 किलो जी, थोड़ा इसके बारे में बताइए रवि भाई। ये 700 मॉडल है, पूरे इंडिया में इससे भारी पावर वीडर 7 HP में आपको मिलने वाला नहीं है, वो तो भारी जैसा दिख ही रहा है रवि भाई, और इसकी क्वालिटी भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वजन बढ़ा हुआ, हैंडल देखेंगे तो कामा का सेम हैंडल ऐसा ही लगा हुआ है, 56 इंच का हैंडल है जी जी, पुश बटन स्टार्ट है, नैनो क्लच है इसके अंदर में, फ्रंट व्हील है, टायर आप देखेंगे तो बहुत ही हेवी है, इजी टर्निंग के साथ XLCL का टायर लगा हुआ है, इंजन बहुत ही स्पेशल लगा हुआ है, इसके इंजन की मैं खूबी बताता हूँ, ये रेटो कंपनी का इंजन है और डबल फिल्टर पे है, एक फिल्टर यहाँ पे, एक आप हाथ डाले तो यहाँ पे फिल्टर देखेंगे, टैंक के साथ अटैच है, ये ड्राई फिल्टर है जी जी, धूल जो ज़्यादा खींचता है आयल नहीं लगेगा, ये रेटो का स्पेशल पावर वीडर के लिए सबसे महंगा इंजन है, ये होंडा के बराबर समझिए क्वालिटी में, मतलब क्वालिटी होंडा वाली ही हम समझे रेटो, एक्चुअली होंडा तो ज़्यादा इंडिया में चलता है लेकिन वर्ल्ड वाइड रेटो यूरोप की कंपनी, यूरोपियन इंजन है, इसमें इटालियन इंजन का प्रयोग नहीं किया गया है, ये यूरोप की कंपनी है और ये यूरोप के हिसाब से इंजन, वहाँ के हिसाब से कोल्ड क्लाइमेट के हिसाब से भी चलता है और हमारे जैसे नॉर्मल जो मॉडरेट क्लाइमेट है उसमें जी जी जी। और गियर बॉक्स के बारे में, गियर बॉक्स इसमें 2.6 लीटर का लगा हुआ है, बड़ा वाला गियर बॉक्स दिया गया है, 2.6 लीटर 2 लीटर 650 ग्राम जो पहले आपके कायो में भी लगा हुआ था जी जी, बड़ा वाला जो डीजल इंजन पावर टिलर है सेम गियर बॉक्स इसमें दिया है, इसके इम्प्लीमेंट सारे मोटे सॉफ्ट वाले लगेंगे डीजल के जी, और वीडर में आपको लाइट का भी ऑप्शन, बैटरी इसके साथ में नहीं मिलने वाला, कीमत थोड़ा महंगा है तो इस पे दम भी है, ये 54,000 पूरे इंडिया डोर डिलीवरी के साथ है, और अभी न्यू मॉडल में इसमें गियर बॉक्स पे भी थोड़ा सा अच्छा किया गया है, गियर को और स्मूथ किया गया है, यहाँ आप देखेंगे तो डिसेकल लीवर लगाया हुआ है, पुश बटन स्टार्ट है जी, बस बटन दबा स्टार्ट, चाबी गिरने का टेंशन नहीं, मेटालिक एक्सलेटर केबल है, नैनो क्लच जो है, साथ में 3,000 का पार्ट्स भी हम लोग इस पे दे रहे हैं, इसमें भी पार्ट मिल रहा है बिल्कुल,
और इसके बैकग्राउंड में भी आप देखेंगे बहुत ही उम्दा हेवी किया गया, तीनों में पिन का इस्तेमाल किया गया है चौड़ा, जैसे ट्रॉली हो गया, सीट हो गया, ये आप देखेंगे तो ये सीट के साथ हम अभी ये ट्रॉली के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि देखिए ये ब्रेक वाला ट्रॉली है जी। किसान साथियों की दूरी खेत की लगभग होती है काफ़ी ज़्यादा, तो उन लोगों को जाने में आराम हो, धूप से बचे, प्लस क्या कि चल के ना जाना पड़े, इसलिए ये। अगर कोई किसान बोलता है कि बैठ के जुताई करना हो या वीडियो हमने देखा था, तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि किसी भी सीट में बैठ करके आप जुताई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इससे ज़्यादा नहीं घूमने वाला है। और आप बैठेंगे तो हैंडल यहाँ पहुँच जाएगा, तो घुमाइएगा कैसे? नहीं घूम पाएंगे। लोग जो बोल देते हैं कि यार ये घूमेगा भी तो कितना घूमेगा, आप देखिए। तो इन चीज़ों को गुमराह नहीं करते, लोगों को सही जानकारी सही तरीके से देते हैं। यहाँ पे आपको हुड का इस्तेमाल किया गया है, बहुत कंफर्टेबल कुशन वाला सीट है, से आप बैठ जाए आराम से, वीडर को चला के कहीं पर भी चले जाए। यहाँ पे ब्रेक का सिस्टम है, टायर जो आप देखेंगे ओरिजिनल टायर का इस्तेमाल किया गया, जो टोटो में लग करके आता है जी जी जी। नया टायर, कोई रिसोल या कोई पुराने टायर से नहीं बनाया गया, कबाड़ से कोई भी आइटम इसमें नहीं लगा हुआ, टाटा स्टील का लोहे का इस्तेमाल किया गया है, बाकी ब्रेक लाइनिंग गाड़ियों का जैसे लगता है वैसा ठोका हुआ है सब चीज़ों को। अब वीडर टिल्ट भी होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टिल्ट के लिए भी सिस्टम बनाया हुआ है, अगर जैसे थोड़े पहाड़ में ऊंचे नीचे में चल रहा तो ये पूरी तरह से उल्टेगा नहीं, अगर वीडर इस पोजीशन से घूम भी जाए थोड़ा 19-20 भी हो जाए तो आप ये पूरी तरह से मुड़ेगा, देखिए जी जी जी, इतने एंगल तक भी चल सकता, देख रहे इसकी डिजाइनिंग, पहाड़ों पर भी लेके चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई इशू नहीं है, ब्रेक भी है ताकि वापस से गुड़क ना जाए। ये 12,500 कीमत की है ट्रॉली, ये जो सीट का ऑप्शन है पूरा सीट, इस पर डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा सीट का, हाँ बेहतरीन है, लोगों को काम के हिसाब से सहूलियत भी हो जी जी जी। वाटर बॉटल का होल्डर दिया, आप इधर पानी लगा सकते हैं, थोड़ा किसान मॉडिफाई करके पीछे अगर जगह बना ले तो ट्रे वे भी रख सकते हैं, या हल्के फुल्के अगर इसको फ्रेमिंग करा लेते हैं, 2-4 बोरे खाद यूरिया भी डाल सकते हैं जी, खेत में अगर ले जाना है एक बोरा तो 2 बोरा मेरे को लगता है इधर ही आ जाएगा, आराम से ले जा सकते हैं, जगह उस हिसाब से बनाया हुआ। तो नेक्स्ट हम लोग जो आइटम आपको दिखाते हैं, इसी का एक बड़ा भाई जो 9 HP में, इसमें पहचान ये है कि ये 777 नंबर है, आजकल बहुत से राजा उजा के वीडियो में देखेंगे इसी के नाम को कॉपी किया गया है, ये हमारा 777 जो कि 9 HP में आता है, इसकी गियरबॉक्स 1.6 लीटर 150 किलो वजन में है ये जी। इसमें भी रेटो के इंजन का इस्तेमाल किया गया है 9 HP में, बाकी टायर काफ़ी हेवी, हैंडल 56 इंच का है, टॉर्च लाइट भी इसमें इस्तेमाल किया गया है, किसानों को प्यास लगता पानी का बॉटल दिया हुआ, पुश बटन है, 3,000 के एक्स्ट्रा पार्ट्स इसके साथ मिलने वाले, ये सब आप देखेंगे, रिंग पिस्टन, क्लच लीवर, एक्सलेटर केबल जी जी, रिकॉइल, कार्बोरेटर, ये सब इसके साथ आपको मिलने वाला है अतिरिक्त पार्ट्स, ये आपको 60,000 में पूरे इंडिया डोर डिलीवरी, बैटरी इसके साथ नहीं रहेगा, बैटरी नहीं आएगा, विद सेल्फ स्टार्ट। इसी में एक मॉडल थोड़ा एडवांस होकर के आया है, आप देखेंगे तो इसी में ये आया हुआ है 210P और 210 PS, ये दोनों सिमिलर मॉडल है, ये अपना आपको कीमत जो आएगा ये 58,000 का है, रेडियल टायर, इजी टर्निंग, फ्रंट व्हील, हेडलाइट के साथ, ये लाइट आप देखेंगे तो ये अलग से कवर बहुत लोग पसंद नहीं करते जी जी, कि झंझनाहट होता है ये तो उनको डाउट होता है, तो ये फिक्स्ड लाइट है, ये लाइट हिलेगा नहीं। अब टैंक इंजन काफ़ी प्रीमियम, ट्रैकोवेटर का खुद का इनहाउस इंजन है, क्वालिटी आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन है, मतलब इतना कोई ख्याल नहीं रखता कि एक चैन इसमें, किसान साथियों देख सकते हैं कि खोलने के बाद गिर ना जाए, कंपनी ने चैन भी लगा के दिया है, तो ये छोटी छोटी बारीकी होती है लेकिन हमारा कोशिश होता है कि उन चीज़ों को फुलफिल करें जी जी। ये 9 HP इंजन में आपको ये 58,000 में देंगे, इसी में ये 62,000 में, इसमें आपको बैटरी भी मिलेगा, पार्ट्स भी मिलेगा और लाइटिंग के साथ, ये 62,000 में सेल्फ स्टार्ट मॉडल 9 HP, ये दोनों कंपनी एक ही है, इसमें ट्रैकोवेटर का इनहाउस इंजन लगा हुआ है, दाम इससे 2,000 ज़्यादा है लेकिन इसमें को भी थोड़ा सा एड ऑन किया गया है, बैटरी थोड़ा, मतलब पार्ट पूरा तीनों में दे रहे हैं। हाँ जी, और तीनों 9 HP के कंपनी के सारे सीरीज में स्पेयर पार्ट्स एक्स्ट्रा मिलता है 3,000 का, मार्केट के वैल्यू के हिसाब से जाते हैं इसके 3,000 के पार्ट्स आपको लगभग 4,500 रुपये में। हाँ, एक पिस्टन और रिंग खरीदने जाएंगे तो लगभग 1,100-1,200 रुपये, तो वो आपको ऐसे मैं जो बता रहा हूँ ये खरीदारी जो कंपनी के हिसाब से जो रेट आता है वो बता रहा हूँ 3,000-4,500 के ऊपर। बाकी मैं थोड़े डीजल वेरियंट में भी आपको दिखाऊंगा बड़े सेगमेंट में, और भी नीचे गोडाउन पे अवेलेबल, आप आइए साथ में देखिए। ये फोर व्हील जो किसानों का अक्सर रहता है, फोर व्हील जी जी, ये फोर व्हील ड्राइव है, कंप्लीट फोर व्हील ड्राइव स्टीयरिंग के साथ अवेलेबल है,
हमारे पास सारे रेंज मिलेंगे आपको। जी जी, मॉडल और भी है, मैं अभी ब्रीफली थोड़ा ये करता हूँ। ये 1.5 लाख कीमत की फोर व्हील ड्राइव है। अभी इस पे 2.5 महीने के बाद हमारा बहुत ही लेटेस्ट मॉडल आने वाला है जी, इसलिए अभी इसको नया इम्पोर्ट कराना अभी हमने रोक रखा। अभी जो इसके बाद का जो सीरीज देंगे वो बहुत उम्दा देंगे। इस पे पीछे हैंडल भी लगा हुआ है, सीट है, हैंड ब्रेक है, फ्रंट का गेयरबॉक्स डिफरेंशियल गियर पे, आगे पीछे दोनों गेयरबॉक्स अलग है, और इसके ब्लेड्स जो लगते हैं चारों चक्के में लगे हुए हैं, चारों में ब्लेड चलेंगे जी। ये कामा इंजन के साथ में, लेकिन अभी इससे और एडवांस इंजन पे हमारा काम चल रहा है। लगभग 2-2.5 महीने लगेंगे तैयार होने में, ऑलरेडी ऑन प्रोसेस है वो मशीन जी जी, वो फोर व्हील में। और मैं इसलिए इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं देता हूँ क्योंकि ये अब लास्ट ही है, 2-4 पीसेस होंगे। इसके बाद के वीडियोस में जो आपको अगली बार आप आओगे ना तो मैं बेहतरीन वीडियो दूंगा। बाकी साथ साथ ही आप आए, कुछ मॉडल्स नीचे भी मैं दिखाता हूँ। अभी टक स्टार्ट जो चला हुआ है, एक हैंडल से चार्ज करके हाँ। चलाने वाला, तो ये अपना टक स्टार्ट है। मैं देखते हैं, ये स्टार्टर थोड़ा अलग है, इसमें हैंडल कैसे लगा करके आपको इसको ऐसे करके चाबी देना पड़ता है। जी जी जी, एक बार चाबी दे दिया, हटा देना है इसको, ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये खाली पुश बटन करना है, स्टार्ट हो जाएगा, रिकॉइल नहीं खींचना है, इसमें खींचना है। ये टक स्टार्ट में रेडियल टायर में। साथियों, ये बहुत अच्छा स्टार्टिंग सिस्टम है, स्टार्टिंग के लिए तो कोई अपने को सोचना ही नहीं है। एक्स्ट्रा पावर में है, 48,000 कीमत में। प्रेशर गियर सुनते हुए अक्सर, तो इसमें गियर वायर के साथ अवेलेबल। मॉडल बहुत है, वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन एक ब्रीफिंग दे देता हूँ कि कितने वेरिएंट है जी जी, तो और भी मॉडल्स मैं आपको दिखाता हूँ अभी। साथियों, वीडियो में बने रहे आगे तक। यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्लेड्स कई एक तरह के हैं सेट में, किसी में 40 ब्लेड आता है, किसी में 32 आता है, किसी में 24 आता है जी जी। रिपर हेड भी हमारे पास अवेलेबल है, ये इंडियन मेड रिपर है, ये भारत में ही बना हुआ। हाँ, ये 42,000 का, ये बिल्कुल ट्रैक्टर की तरह ही टेक्नोलॉजी पे बना है। ट्रैक्टर के रिपर देखेंगे तो सेम सिस्टम उसी कंपनी से हम बनवा रहे जी जी, वीडर के लिए। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो और भी मॉडल्स हमारे पास में है, जैसे ये आप देखेंगे तो ये 42,000 में अवेलेबल है, हेडलाइट के साथ प्रेशर गियर में, ये भी उम्दा मॉडल है जी जी। ट्यूबलेस टायर के साथ में 32 ब्लेड, इसी में सेल्फ 45,000 में है। अब देखें तो डीजल में बहुत पॉपुलर अपना कामा का 12 HP, इसकी वीडियोस हम लोग हर बार सोचते डालेंगे लेकिन इतना बिकता है कि वीडियो डालने का मौका नहीं मिलता। ये तो शेर जैसा है रवि भाई, बिल्कुल 12 HP है। ये एडिशन भी है, पैंथर गोल्ड एडिशन। यहाँ पे किसान साथी आप देखेंगे तो कामा प्रीमियम में, आप कामा का इंजन बहुत देखते हो, बहुत लोग कामा इसमें भी 12 HP इंजन लगा हुआ कामा का जी जी, लेकिन आप देखिएगा तो वो इंजन बहुत अलग है। 12 HP ये और इसमें जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। एडिशन कंपनी का ही एडिशन है, और इसकी पहचान है यहाँ शेर के पंजे लगे हुए हैं। अच्छा, इस पे पंजा भी बना दिया है। हाँ, यहाँ पैंथर का फोटो भी लगा हुआ है। ये 188F इंजन है, 12 HP जो कि आता है, हेडलाइट LED वाले है, इसमें 12 HP का कामा का इंजन है। यहाँ कामा एम्बॉसिंग भी मिलेगा। ये हम लोग 75,000 में विथ इजी टर्निंग, इजी शिफ्टिंग गियर, टॉर्च लाइट, वाटर बॉटल, नैनो क्लच न्यू टेक्नोलॉजी पे, विदाउट बैटरी, 2.6 लीटर गियर बॉक्स, हेवी PTO। पीछे भी इसमें देखेंगे तो पिन का इस्तेमाल किया जी गया, बैकग्राउंड चौड़ा किया गया ताकि टर्निंग में ट्रॉली में इजी हो। तो ये मात्र 75,000 में। वीडियोज़ में आप देखेंगे रेट बहुत अट्रैक्टिव मिलने वाला। ये मॉडल हमारा 75,000 में एक्स्ट्रा पावर का ही आएगा, ये भी कामा का 12 HP इंजन में 188। एक ये मॉडल आप देखेंगे ट्रैकोवेटर सीरीज में, ये तो बहुत हैवी बनाया गया है बिल्कुल। ये अपना प्रीमियम सेगमेंट में 72,000 में विथ बैटरी और 3,000 के पार्ट्स में आपको मिलेगा जी। इसका इंजन बहुत ही मजबूत है और बहुत ही उम्दा है मॉडल। इसी तरह से ये देखिए 70,000 में है विदाउट इजिटर, ये सब फिर एक्स्ट्रा पावर का 4 गियर वाला मॉडल है, इसमें 4 गियर का इस्तेमाल किया गया है, LED लाइटिंग है इस पर। फिर आप देखेंगे कामा का 10 HP पैंथर सीरीज में ही 186 यहाँ पे मेंशन है, लेकिन ये पैंथर एडिशन में है, इसमें भी हैंडल वैंडल सब कुछ लंबा मिलने वाला 360 का, बैटरी इसके साथ में नहीं होगा, आपको अलग से लेना होगा। ये गोल्डन कामा का पहचान, ये गोल्डन इंजन, गोल्डन आजकल काला पीला लाल सब कामा में चल रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ओरिजिनल कामा का पहचान है। देख सकते हैं जैसे ये कामा ओरिजिनल है, और आगे भी जो देखा होगा आपने कामा का इंजन बताया गया है, लेकिन वो थोड़ा हल्का है। इसमें ये 188 में कामा का ही इंजन है, और बाकी अलग कलर में आप कामा नहीं पाएंगे। कामा का आता है इंजन का सीरीज, आप काला में भी देखेंगे हमारे पास है हरा काला में जी। लेकिन वो इंजन, इस इंजन में लगभग 7 किलो का अंतर है वजन में, 7 किलो का अंतर है, तो सोच सकते हैं
क्या अंतर रहेगा, कामा कामा दिखा रहे लेकिन सीरीज के बारे में डिटेल नहीं देते। तो मेरी कोशिश होती है कि हर तरह से आपको बताएं। एक बहुत ही देखेंगे आप उम्दा मॉडल है, स्थिर टाइप में आता है, ये हैंडल थोड़ा अलग सा है, इसमें लीवर सिस्टम पे पूरा ये घूम जाता है। ये मॉडल हम लोग 48,000 में दे रहे हैं। मॉडल इसी तरह से बहुत सारे हैं। रेटो के इंजन में आप देखेंगे तो रेटो है, ये आएगा प्लेन रेटो इंजन में, वाटर बॉटल, टॉर्च लाइट, गियर शिफ्टर सब कुछ अच्छा है, हैंडल लंबा है। ये हम लोग दे रहे हैं 38,000 मात्र 38,000 विथ रेटो इंजन। गरीब किसानों क्या बात है साथियों, आपके लिए रेटो इंजन जो है 38,000 में मिल रहा है। अगर आप देखेंगे वीडर में तो बाकी लोगों से हमारे वीडर में प्राइसिंग का बहुत ज़्यादा ही अंतर मिलेगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि क्वालिटी कम है, हमारा होलसेल का काम है, बल्क में मिलता सब कुछ। तो इस तरह से बहुत सारे मॉडल है धीरेंद्र भाई, जो आपके संभव नहीं है एक वीडियो में कैप्चर कर पाना, लेकिन मार्केट में जितने चल रहे हैं हमारे पास सारा सीरीज यहाँ पर मौजूद है। तो रवि भाई, मार्केट में जैसा बहुत ज़्यादा लूट मचा हुआ है और आपका दाम सुन करके किसान साथियों, जैसा कि आपको हमने दिखाया लगभग 30 से 40 50 प्रकार का वीडर दिखाया है, तो ये दाम सुन करके तो मैं पागल हो गया हूँ कि इतने सस्ते में पावर वीडर मिल रहा है। मैं क्या बोलूँ साथियों, कुछ मेरे पास शब्द नहीं है रवि भाई के पास आ करके, और मेरे उम्मीद से ज़्यादा आप हमको दिखा दिए हैं, बता दिए हैं। हमारा कोशिश रहता कि प्राइसिंग हम होलसेल पे ही देते, कि जो किसान इच्छुक है और उनको ठगा ना जाए। जो पहला सब था कि आप इतने दूर से आए तो आपको वेरीफाई भी करना था कि रवि भाई के पास सच में सस्ता है या बोलते बस है वीडियो में। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं वीडियो निकल रहा है, तो प्राइस किस हिसाब से हम लोग दे रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इसी तरह से आगे भी वीडर में रेट अच्छा दे आपको। और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है आज, वीडियो हम ठीक है। किसान साथियों नमस्कार, रवि भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना सस्ते रेट में देने के लिए। जय हिंद।